ये देख सकते हैं आप डीआरएफ की जो है जो सैनिटाइज की जा रही है ये बी बाज़ार चौरस्ते पर जो है पिछले जो है 3 घंटे से जो है गाड़ी ठहरी हुई है। पता नहीं ये ख़राब हुई कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है, इसके जो है ज़िम्मेदारान कहाँ हैं पता नहीं। अगर ये 3 घंटे से यहाँ ठहरी हुई है, ये जो है बी बाज़ार चौरस्ता बहुत बिजी रोड है, ये जहाँ तक हमको अंदाज़ा है इसकी जो है गाड़ी कुछ फेल हो गई है, लेकिन जो है ये चौरस्ते पर ठहरी हुई है। और जो है हम तेलंगाना गवर्नमेंट से जो है ये अपील करते हैं कि अगर इस तरीके के गाड़ियाँ जो है ये सैनिटाइज़ के दी जाए, जो पुराने शहर और नए शहर में जो है ये तासुबियत बढ़ती जा रही है कि ये इस तरीके के पुराने गाड़ियाँ पिछले हम जो है 3-4 दिन में जो है चार मीनार के पास भी देखा गया। ये अब हम आपको कैमरा करीब लेकर जाते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा जनरेटर होता है, ये जनरेटर जो है आपको पानी इधर खींच कर जो है ये पाइप से जो है सैनिटाइज़ किया जाता। तो यहाँ तक के जो है 3 दिन पहले भी जो है मक्का मस्जिद के पास जो है उसमें पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो वहाँ पर भी जो है 3 घंटे गाड़ी ठहरी हुई थी, तो उनको पेट्रोल तक मुहैया सही नहीं किया जा रहा है। ये पेट्रोल भी जो है उन्हें रखना चाहिए क्योंकि पेट्रोल पंप भी जो है बंद रह रहे हैं। अभी इसकी ये गाड़ी जो है चौरस्ते पर ठहरी हुई है, इसके ज़िम्मेदार कौन है? ये जो हैवी ट्रैफिक है, बिल्कुल बिजी रोड है। तो हम जो है GHMC कमिश्नर साहब से और जो है ज़िम्मेदारान से जो है ये अपील करते हैं और KTR साहब से अपील करते हैं कि जो है आप हमारे पास ओल्ड सिटी में जो है इस तरीके की गाड़ी, अब इसमें जो सैनिटाइज़ करना है, आज जो एरिया डालना है, अब ये पिछले 3 घंटे से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है ये गाड़ी ठहरी हुई है। मैं ये बोलते हैं मोहम्मद हशमत अली हबीब भैया के साथ।